दोस्तों बात करें तो ये है मेरे पास iQOO 90 स्मार्टफोन। जी हाँ, और मेरी नजर में जो फोन है ये बेटर हो सकता है यहाँ पे OnePlus 10T से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि iQOO 90 जो है ना उसकी कीमत यहाँ पे काफी एक्साइटिंग है। 49999 इसका बेस मॉडल स्टार्ट होता है, 8128 वाला। ICICI का ऑफर लगा के 4000 रुपए का ऑफ अगर किसी को मिल जाता है तो उस केस में आपको काफी अच्छी डील मिल सकती है। क्योंकि बात की जाए जो हार्डवेयर दे रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो काफी अच्छा किलर और वैल्यू फॉर मनी में ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि 50000 रुपए में ये मिल रहा है आपको स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1। जी हाँ, 8+ Gen 1 अच्छा देखने को मिल रहा है, कैमरा अच्छा देखने को मिल रहा है, 120 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ चीजें इसको काफी अच्छा पैकेज बना देती है, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये भी है कि कुछ कमियां भी है इस फोन के अंदर, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो लग रहा है कि OnePlus 10T का किलर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है iQOO 90 के रूप में। अब चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। पसंद आए लाइक करना वीडियो, चैनल को पहली बार हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले से रिलेटेड सबसे ज्यादा सवाल मेरे को इसके पिछले वीडियो में देखने को मिले थे, और इस फोन में आपको देखने को मिलता है 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंटेनियस टच रिस्पॉन्स है, यानी कि जो टच आप करते हैं ना वो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस देखने को मिलता है। गेमर्स वगैरह की हेल्प करेगा, DCI-P3 कलर गैमेट का सपोर्ट है, और ये E5 AMOLED स्क्रीन है। लेकिन बात की जाए ये LTPO स्क्रीन नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 8 बिट का ही पैनल देखने को मिल रहा है। ये बात मैं आपको यहाँ कंफर्म करके बता सकता हूँ, ये एक चीज है यहाँ इस फोन के साथ। लेकिन वही बात करें इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर है 8+ Gen 1 वो अच्छा है, TSMC ने अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है, प्लस हीटिंग भी कंट्रोल हुई है। और इस फोन के अंदर हमने चेक किया तो क्या थर्मल थ्रॉटल करता है, देखो थर्मल थ्रॉटलिंग होती है इस फोन के अंदर, नो डाउट देखेगी आपको, लेकिन उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितनी 8 जेन 1 में थी। ऊपर से वेपर चेंबर कूलिंग लगा के काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अगर आप CPU थ्रॉटलिंग वाला बेंचमार्क लाएंगे कुछ हद तक थ्रॉटल रहेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा कि जिससे आपकी इसकी परफॉर्मेंस पे कुछ इंपैक्ट देखने को मिले, या फिर इसके अंदर आपको कोई एक्सेसिव ओवरहीटिंग देखने को मिले। वो चीज यहाँ पे 8+ Gen 1 में काफी हद तक कंट्रोल की गई है, और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और एक कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये काम यहाँ पे काफी अच्छा किया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने, और बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग लगा के ओवरऑल परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। इसके साथ ही 8GB रैम, 120GB स्टोरेज और 12/256 है। यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR5 रैम देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस और हीट मैनेजमेंट अच्छा है, जो कि 50000 रुपए के फोन के हिसाब से काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी बना देता है, क्योंकि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन सही देखने को मिल रही है। लेकिन भाई बात करें इस फोन के अंदर एक और चिप इन्होंने डाली जो कि है V1+ चिप। अब V1+ चिप का यहाँ पे काम क्या है, V1+ चिप यहाँ पे काम करती है आपकी इमेजेस के अंदर, फोटोग्राफी और गेमिंग के अंदर, क्योंकि MEMC टेक्नोलॉजी को लाती है, जिसका मतलब यह कि कोई गेम 45 FPS पे चल रहा है उसे 90 FPS पे ले जाएगी, कोई गेम 60 FPS पे चलता है उसे 120 FPS पे प्ले करेगी, जिससे गेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर किया जा सकता है हाई फ्रेम रेट से कंपेटिटिव गेमिंग में। अब BGMI इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन अब पता नहीं आप लोग इसको अंदर कौन सा गेम खेलने वाले हो, कमेंट में बताना। तो ये एक चीज यहाँ चल रही है। इसके साथ ही बात की जाए तो V1+ चिप हेल्प करती है इमेजेस के अंदर। लो लाइट में अगर आप कोई फोटोग्राफ लेने वाले तो आपको रियल टाइम में पता चल जाए कि रात को किस टाइप की फोटोग्राफ आप यहाँ ले सकते हैं। इन दो जगह V1+ चिप ने यहाँ पे काम किया, तो ये एक यहाँ पे बात होती है। इसी के साथ ही बात करें 5G कनेक्टिविटी में, तो 9 5G बैंड्स का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी यहाँ पे सपोर्ट है, ये कुछ चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एंड्रॉइड 12 है, फन टच OS के साथ, जो ऑलरेडी हम iQOO और vivo के फोन में देख चुके हैं। फन टच OS अच्छे तरीके से चलता है, और इस बार iQOO ने यहाँ पे प्रॉमिस किया सॉफ्टवेयर अपडेट का, 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट, यानी कि एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन 13, 14, 15 का अपडेट मिलेगा, और उसके बाद 1 साल से सिक्योरिटी पैचेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये एक चीज है। और iQOO का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो अपने काफी सारे फोन को अच्छे तरीके से अपडेट करते हैं, इवन iQOO 3 को खुद एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल चुका है अभी तक, तो उम्मीद करते कि इसमें भी अपडेट जो है वो जल्दी से जल्दी मिले, और पहली बार प्रॉमिस कर रही है तो ये एक अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे iQOO 90 के अंदर जो फन टच OS है, देखो फास्ट स्मूथ में कहूंगा, फीचर रिच भी कहूंगा, कुछ ब्लोटवेयर है, हॉट एप्स हॉट गेम्स आती है, वो कुछ ब्लोटवेयर थोड़ा कम कर लेना बहुत अच्छी चीज होगी इनके लिए, सिर्फ वही एक चीज है, क्योंकि कस्टमाइजेशन के फीचर्स अच्छे, लोग को ये चीज पसंद आएगी जो चीज लोग फोन के अंदर देखना चाहते हैं, बस ब्लोटवेयर वाली चीज अगर अपने प्रीमियम फोन से थोड़ा कम कर लें वो एक बेटर प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है।
ये एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे डुअल एक्स एक्सिस की हैप्टिक फीडबैक मोटर है, यानी कि डुअल एक्स एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलती है, जो कि डेफिनेटली आपकी गेमिंग के अंदर हेल्प करने वाली है। और जो हैप्टिक फीडबैक होती है उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि जनरली फोन में एक मोटर होती है, यहाँ पे दो मोटर आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ ही बात करें कैमराज में, तो 50 MP का G5 इमेज सेंसर है सैमसंग का, ये 1.75 के अपर्चर के साथ आता है। फिर 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 12 MP का 2x टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस। तीनों के तीनों कैमरा यूजेबल है, अल्ट्रा वाइड से मैक्रो शॉट्स भी लिए जा सकते हैं। बात की जाए इमेजेस की क्वालिटी, मुझे पसंद आई, क्लैरिटी देखने को मिल रही थी और सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। अब बात की जाए अगर ये सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा कम कर ले तो काफी अच्छी चीज होगी, नेचुरल फोटोग्राफ ले पाएगा, लेकिन काफी लोगों को सैचुरेशन यहाँ ज्यादा पसंद रहता है, शायद इसलिए उन्होंने यहाँ डाल रखा है। अगर सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम कर दे कैमरा में वो एक बेटर चीज है, लेकिन कैमरा आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा, ये है। इवन 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और 50 MP के कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। बस चीज यहाँ पर एक लगी, आईको 9 में इन्होंने गिम्बल स्टेबलाइजेशन दिया था, यहाँ पे सिर्फ OIS दे रहा है। अगर इसमें भी गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिल जाता तो काफी कमाल की बात होती। सिर्फ ये एक चीज जो लगी मैं आपसे बोलना चाहूंगा। इसके साथ ही बात करें तो फोन का बिल्ड और डिजाइन काफी सही है, 207 grams इसका वेट है और 8.37 mm की थिकनेस है। पीछे की तरफ आपको ग्लास है, ये एक AG डुअल टोन फिनिश का ग्लास देखने को मिलता है। इसके तरफ आपको एक BMW वाला एडिशन भी है। और बात की जाए तो यहाँ पे जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा और AG ग्लास का फील है वो है। इवन बात किया तो यहाँ पे मेटालिक फ्रेम देखने को मिलती है, एंटीना बैंड्स भी देखने को मिलते हैं वो। और बात किया तो आगे भी यहाँ पे ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। इसी के साथ ही बात किया तो स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी और हाईफाई ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है और कोई डेफिनेटली हेडफोन जैक नहीं है इधर। और ओवरऑल बात की जाए तो क्वालिटी, बिल्ड मटेरियल वगैरह ये चीज यहाँ काफी अच्छी है। और वही बात करें अगर हम इसकी बैटरी की, तो 4700 mAh की बैटरी और 120 W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, डुअल सेल बैटरी है यहाँ पे। और बात की जाए चार्जिंग स्पीड्स की, तो 20 मिनट्स के अंदर 0 to 100% चार्ज कर सकता है फोन को। ये कुछ चीज है, अब देखना पड़ेगा कि 120 W चार्जिंग को लॉन्ग टर्म तक यूज करते उसके ऊपर बैटरी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन हाँ ये एक फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक चीज है। ओवरऑल बात करें तो फोन के अंदर क्या चीजें पसंद है, देखो फोन के अंदर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, हीटिंग नहीं हो रही, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही है, कैमरा भी मैं अच्छा बोलूंगा अगर आपको सैचुरेशन वाली जो फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पसंद है। ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट का जो प्रॉमिस मिल रहा है वो V1+ चिप काम की है, वो गिमिक नहीं है, गेमिंग और लो लाइट फोटोग्राफी में काफी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है। इसी के साथ ही बात करें कॉन्स में, देखो ब्लोटवेयर यहाँ ज्यादा है, अगर ब्लोटवेयर ये लोग अपने फोन से कम कर दे वो एक अच्छी बात होगी। इसी के साथ ही बात किया यहाँ पे अगर डिस्प्ले अगर 10 bit का होता है, LTPO स्क्रीन वगैरह देखने को मिलती तो और सही चीज होती है। हालांकि बात की है तो ओवरऑल पैकेज काफी सही है, 50,000 rupees के प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, इसके अंदर गेमिंग कर ले, परफॉर्मेंस ले ले, प्लस आपको एक वैल्यू फॉर मनी और प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है, ये आईको का फोन यहाँ पे काफी सही हो जाता है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे सही करी है। तो खैर ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल बात करें 10T के कंपैरिजन में काफी बेटर डील बन सकता है, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि 10T से महंगा फोन होगा और उसके अंदर प्लास्टिक फ्रेम वगैरह यूज की जाएगी और भी काफी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये काफी अच्छी डील यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक सही फोन हो सकता है जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को एक हाई परफॉर्मिंग फोन चाहिए। ये कहानी होती है आईको 9T की यहाँ पे, और इस केस में शायद बेटर देन 1+10T। आप लोग के इस बारे में ओपिनियन है, अपना जो ओपिनियन चाहिए उन्हें बताना, भूलना वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, कूडी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वन में, गुड बाय।